आज मैं आपको ये क्वेश्चन 8 जो है ये आपको सॉल्व करके बताऊंगी। और ये जो क्वेश्चन 8 है आप देख सकते हैं ये क्लास 10th की मैथमेटिक्स की ओसवाल सैंपल पेपर की बुक है, जिसमें सॉल्व पेपर 2013 से 2020 तक के क्वेश्चन दिए हुए हैं। और ये जो क्वेश्चन जो मैंने लिया है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन चैप्टर से लिया हुआ है। और ये क्वेश्चन आउटसाइड दिल्ली सेट 3rd 2017 ओडी सेट 1st 2016 को आ चुका है। और इस क्वेश्चन का यहाँ पर सॉल्यूशन दिया हुआ है, देख सकते हैं कि इस क्वेश्चन का जो ये आंसर है आप यहाँ देखिए नीचे लिखा हुआ टॉपर्स आंसर 2017 ये जो टॉपर रहे हैं उन्हीं ने ही ये लिखा है। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इफ द रेशियो ऑफ द सम ऑफ द फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ टू एपीज इज 7n+1:4n+27 देन फाइंड द रेशियो ऑफ देयर 9th टर्म। यहाँ पे देखिए दो एपीज हैं, देखिए लिखा टू एपीज, और उन दोनों एपीज का जो सम है ना, दोनों एपी का जो अलग अलग सम है उनका रेशियो, मतलब जो पहला वाला एपी है उसका सम ऑफ द nth टर्म और जो दूसरा वाला एपी है उसका सम ऑफ द nth टर्म, उन दोनों का रेशियो ये दिया हुआ है। तब हमें यहाँ पे क्या फाइंड करना है कि इन्हीं दोनों एपीज का जो 9th टर्म है ना, दोनों एपीज का 9th टर्म तो होगा, तो 9th टर्म का रेशियो हमें यहाँ पर फाइंड करना है। ठीक है ना, तो यहाँ पे दो अलग अलग एपीज हैं, दो एपी सीरीज यहाँ पर लेगा। तो सबसे पहले हम दो एपी सीरीज का सेट बनाते हैं। ठीक है ना, तो फर्स्ट एपी देखिए मैं फर्स्ट एपी बना रही हूँ, तो फर्स्ट एपी कैसे बनेगा, A1 A2 A3 और इसमें क्या क्वेश्चन है बोल रहा है कि हमें रेशियो निकालना है दोनों एपीज का 9th टर्म का रेशियो। तो A1 A2 A3 इसी तरह से डैश डैश करके यहाँ पर A4 A5 A6 A7 A8 आएगा, तो मैं वो चीज़ वो नहीं लिख रही हूँ यहाँ पर, यहाँ मैंने डैश डैश कर दिया A9। ठीक है ना, क्योंकि हमें 9th टर्म का रेशियो यहाँ निकालना है इसलिए मैंने यहाँ A9 लिख दिया। फिर डैश डैश करके यहाँ पर और भी टर्म होंगे, कहाँ तक गया है, nth टर्म तक गया है। आप समझ रहे हैं ना, ये फर्स्ट एपी A1 A2 A3 यहाँ बीच में A4 A5 A6 A7 A8 सब है, फिर A9 मैंने इसलिए लिखा क्योंकि हमें यहाँ पर रेशियो 9 टर्म का निकालना, फिर डैश डैश करके nth टर्म तक गया है, तो ये फर्स्ट एपी हो गया। ठीक है, अब उसी तरह से हम यहाँ पर सेकेंड एपी बनाते हैं। तो सेकेंड एपी में देखिए यहाँ पर हमने स्मॉल A1 A2 लिया है ना, तो क्योंकि दोनों एपी अलग अलग हैं तो हम यहाँ पर अब हम क्या लेंगे, कैपिटल A1 लेंगे, कैपिटल A1 A2 A3 और डैश डैश करके A9, फिर डैश डैश करके ये nth टर्म तक गया है। ये अब समझ nth यहाँ an रहेगा। यस, ये दो एपीज है ना, इस तरीके से हम दो एपीज पहले बनाएंगे, ये आपको समझ में आ रहा है ना। अच्छा, अब देखिए दो अलग अलग एपी है तो इनका कॉमन डिफरेंस भी अलग अलग होगा, ये ऑलरेडी एपी सीरीज है तो देखिए इसका कॉमन डिफरेंस पहले वाले एपी का कॉमन डिफरेंस जो है हम उसको क्या मानेंगे, D1 मानते हैं। पहले वाले एपी का कॉमन डिफरेंस D1 है और इस वाले सेकंड एपी का कॉमन डिफरेंस हमने क्या मानना है, D2। आप समझ रहे हैं ना, इसका एपी का अपना कॉमन डिफरेंस होगा उसको D1 माना है और इसका D2, क्योंकि दोनों अलग अलग एपी सीरीज हैं। ठीक है ना, ये आपको इतना समझ में आ गया। अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि इन दोनों एपी सीरीज का जो सम है ना, सम ऑफ द nth टर्म, उनका रेशियो कितना दिया हुआ है, उनका रेशियो देखिए 7n+1 अपन मैं यहाँ रेशियो देती हूँ 7n+1:2 क्या लिखा हुआ है, 4n लिखा है 4n+27। ठीक है, इस क्वेश्चन को बहुत ही मैं सिंपल वे में आपको समझाऊंगी, 7n+1:4n+27 तो ये फर्स्ट एपी है। अच्छा, आपने इस चैप्टर में पढ़ा होगा कि अगर कोई एपी सीरीज है nth टर्म तक तो उस एपी सीरीज का जो सम ऑफ द nth टर्म होता है वो कैसे निकालते हैं, उसको निकालने का क्या तरीका होता है। तो यहाँ पर देखिए मैं फर्स्ट एपी का निकाल रही हूँ, फर्स्ट एपी का क्या निकाल रही हूँ मैं, सम ऑफ nth टर्म इस वाले एपी का सम ऑफ nth टर्म कैसे निकालेंगे उसको मैं कैसे लिखूंगी, SN, ये होता है ना सम ऑफ द nth टर्म ऑफ एपी का क्या मतलब होता है कि उसका ये मतलब होता है ना कि एपी सीरीज में जितने भी टर्म है ना उनका सम, क्योंकि nth टर्म तक गया है ना तो इसका सम भी हम nth टर्म तक निकालेंगे तो इसलिए SN लिखा हुआ। तो जो मेन फॉर्मूला होता है क्या होता है, SN=n/2 2a+n-1d, ये होता है मेन फॉर्मूला, यही होता है ना मेन, हम फर्स्ट एपी का निकाल लें तो यही फॉर्मूला लगेगा। अब देखिए इसमें क्या क्या चेंज होगा, अब यहाँ पे देखिए ए क्या होता है, ए को हम क्या मानते हैं, ये जो मेन फॉर्मूले में ए है ए को क्या बोलते हैं, फर्स्ट टर्म बोलते हैं ना, क्या होता है, फर्स्ट टर्म को ही ए बोलते हैं ना। तो अब यहाँ पर हम फर्स्ट एपी सीरीज का सम ऑफ एन टर्म निकाल लें ना, तो यहाँ पर पहला टर्म क्या है हमारा, पहला टर्म हमारे A1, तो यहाँ पर जो हमारा फर्स्ट टर्म ए है ना इसकी जगह हम ये A1 लिखेंगे। ठीक है, अच्छा अब यह डी है कॉमन डिफरेंस डी, ठीक है, तो फर्स्ट टर्म का जो कॉमन डिफरेंस है वो क्या है, D1 है, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर हम D1 कर देंगे, आप समझ रहे हैं ना, और यहाँ पर A1 कर देंगे। आपको समझ में आ गया,
ठीक है ना। तो ये एस एन है, ये किसका है, फर्स्ट एपी का सम ऑफ द एनेटम। अब उसी तरह से देखिए ये फर्स्ट वाले का है, मैं यहाँ पे एरो लगा दे रही हूँ। अब उसी तरह से सेकंड टर्म का भी हम, क्योंकि ये देखिए ये जो रेशियो है ना इन दोनों एपी सीरीज का जो सम ऑफ एनेटम है ना उनका रेशियो है, तो हम पहले सम ऑफ द एनेटम निकाल लेते हैं एस एन, ठीक है। अच्छा अब ये क्या है, सेकंड टर्म है, तो इस सेकंड टर्म का भी हम क्या निकालेंगे, इस सेकंड टर्म का हम सम ऑफ द एनेटम निकालेंगे। तो यहां पर देखिए ये एस एन इसका सम ऑफ द एनेटम है, तो सेकंड टर्म का जब हम सम ऑफ द एनेटम निकालेंगे तो थोड़ा उसको अलग बनाएंगे एस एन डैश, क्योंकि दोनों का सम जो होगा वो अलग अलग आएगा ना, क्योंकि एपी सीरीज दोनों डिफरेंट है। तो यहाँ पर सेकंड टर्म का जो सम ऑफ एनेटम है उसको मैंने एस एन डैश माना है। ये आपको समझ में आएगा, फॉर्मूला यही मेन लगेगा, फॉर्मूला हमारा यही मेन रहेगा, एस एन स्क्वायर टू एन अपॉन टू टू ए प्लस एन माइनस वन डी, ठीक है, यही मेन फार्मूला रहेगा। तो इस वाले को हमने एस एन डैश से माना है। अब देखिए फॉर्मूला लगाइए, एन अपॉन टू, एन तो दोनों में कॉमन रहेगा, देखिए ये भी एन अटम तक गया है, ये भी एन अटम तक गया है, तो ये एन तो वही रहेगा, इसमें भी यही एन रहेगा, एन अपॉन टू, एन में कोई बदलाव नहीं आएगा, ठीक है। फिर ब्रैकेट, फिर टू, अब देखिए ये फर्स्ट टर्म है, ये ए का मतलब क्या था, फर्स्ट टर्म, तो सेकेंड टर्म में फर्स्ट टर्म हमारा क्या है, ए वन है ना, तो यहाँ हम क्या लिखेंगे, टू ए वन प्लस एन माइनस वन, और सेकंड टर्म का कॉमन डिफरेंस मैंने क्या माना, डी टू, तो यहाँ पे लिखेंगे आप डी टू, ठीक है। अच्छा गिवन आपको बता दिया गया क्वेश्चन में कि ये रेशियो है, दोनों एपी टर्म एपी सीरीज का सम जो है उनका रेशियो है, तो इसका मतलब हम क्या लिखेंगे कि इसका सम और इसका सम, यानी कि ये रेशियो का मतलब क्या है, एस एन और अपॉन एस डैश एन, यही ना मतलब हुआ, इक्वल टू इसका रेशियो किसके बराबर है, इसके बराबर है सेवन एन प्लस वन अपॉन ये क्या है फोर एन प्लस, यही ना मतलब है जो क्वेश्चन में गिवन बोल रहा है, यही चीज तो बोल रहा है ना, तो हमने यहाँ पर लिख दिया एस एन अपॉन एस एन डैश इक्वल टू ये रेशियो, ये यहाँ पर मैंने लिख दिया। अच्छा हमने जो एस एन निकाला है क्या ये है, तो हम इस एस एन की जगह ये लिखते हैं, तो क्या लिखेंगे एन अपॉन टू, ये वाला टर्म लिख रहे हैं एस एन क्या है टू ए वन प्लस एन माइनस वन, और ये क्या है डी वन है, डी वन ब्रैकेट, ये एस एन हो गया, फिर ये अपॉन अपॉन लगाइए एस एन डैश, एस एन डैश क्या हमारा ये है, देखिए यहाँ पर एन अपॉन टू, ये क्या है टू कैपिटल ए वन प्लस ये क्या है एन माइनस वन, ये क्या है डी टू है, यहाँ डी टू लिखिए ओल ब्रैकेट इक्वल टू ये लिखेंगे हम सेवन एन प्लस वन अपॉन फोर एन प्लस ट्वेंटी सेवन, ये आपको समझ में आ गया। अब देखिए एन अपॉन टू कैंसिल, हमारे पास क्या आया टू, ये बच रहा है तो टू ए वन प्लस एन माइनस वन डी वन अपॉन टू कैपिटल ए वन प्लस एन माइनस वन डी टू इक्वल टू सेवन एन प्लस वन अपॉन फोर एन प्लस ट्वेंटी सेवन, ये आपको समझ में आ गया। अच्छा अब क्वेश्चन में हमें क्या पूछ रहा है, ये तो जो गिवन दिया हुआ था ना रेशियो, गिवन तो हमारा ये दिया हुआ था ना कि दोनों एपी सीरीज का जो सम है उनका रेशियो ये है, तो ये हमने लिख दिया इसी इसी के हद से हमारा ये आ गया, ये आया ना, तो अब देखिए इसका कहाँ यूज़ होगा ये, तो हमें जो निकालना क्या है, देखिए हमें क्या निकालना है, उन्हीं दोनों एपी सीरीज का जो नाइन्थ टर्म है ना उसका रेशियो हमें यहाँ पर बताना है। तो देखिए नाइन्थ टर्म पहले वाले एपी का नाइन्थ टर्म क्या है, ए एन ही ए ना ये है ना, यही ना नाइन्थ टर्म ए नाइन, देखिए ए नाइन लिखा है ए नाइन, और सेकेंड वाले एपी का नाइन्थ टर्म क्या है, ये है ना कैपिटल ए एन, तो हमें इन दो रेशियो निकालना है। रेशियो निकालने का मतलब क्या है, ए नाइन अपॉन कैपिटल ए नाइन, हमें यही रेशियो फाइंड करना है क्वेश्चन के हिसाब से, ये हमें फाइंड करना है क्या रेशियो है इसका, ठीक है। अच्छा हम एपी सीरीज में ये जानते हैं कि एनट टर्म का एनट टर्म निकालने का क्या तरीका होता है, ए एन स्कल टू ए प्लस, जो भी एनट टर्म होता है वो किसके बराबर होता है, ए एन स्कल टू ए प्लस एन माइनस वन डी, ये होता है मेन फार्मूला, ठीक है। हमें क्या निकालना है, ये देखिए ए नाइन अपॉन स्मॉल ए नाइन अपॉन कैपिटल ए नाइन, ये निकालना, तो सबसे पहले हम ये निकाल लेते हैं, ये क्या है स्मॉल ए नाइन, क्या नाइन्थ टर्म के जो वैल्यू है ए नाइन वो ये बता रहा है, और ये क्या है सेकेंड एपी सीरीज का जो नाइन्थ टर्म का जो वैल्यू है ना वो कैपिटल ए नाइन बता रहा है। तो देखिए जो मेन फार्मूला है यहाँ पर, मेन फार्मूले में आप एन की जगह नाइन रखिए, तो ए और यहाँ पर क्या रखेंगे नाइन इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा, और क्या है कि ए है ना, ए फर्स्ट टर्म होता है, तो ये फर्स्ट टर्म एपी सीरीज जो एपी सीरीज का फर्स्ट टर्म क्या ए वन है ना, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे ए वन ही तो लिखेंगे ना, प्लस ये नाइन एन क्या है हमारा नाइन है यहाँ पर, तो नाइन माइनस वन एन की जगह नाइन रखेंगे, नाइन माइनस वन एट, और ये कॉमन डिफरेंस डी है, तो ये तो मेन फार्मूला है, और लेकिन इस एपी सीरीज का हमने कॉमन डिफरेंस क्या माना डी वन ना, तो ये लिखिए ऐसे, ये होगा ए नाइन, अभी कैपिटल ए नाइन निकाल दे रहे हैं, तो कैपिटल ये देखिए कैपिटल ए नाइन कैसे निकालेंगे, जस्ट यहाँ पर भी एन की जगह हम क्या रखेंगे, फॉर्मूला तो यही यूज होगा, एन की जगह हम यहाँ नाइन रखेंगे, ठीक है, तो ये कैपिटल ए और यहाँ पर हम नाइन, ठीक है, क्या है ए है, तो यहाँ पर फर्स्ट टर्म क्या है हमारा
ए वन है ना, तो इसके इसके जगह ये हमारा ए लिखा हुआ है, देखिए ए है ये, ये फर्स्ट टर्म हमारा यहाँ पर क्या है, सेकंड एपी सीरीज का ए वन है, तो यहाँ पर कैपिटल ए वन प्लस, अब यहाँ पर नाइन रखिए, नाइन माइनस वन तो एट हो जाएगा एट, और ये कॉमन डिफरेंस है तो इसका कॉमन डिफरेंस मैंने किया हमारा डी टू, ये आ गया। तो हमें ये रेशियो निकालना है, ये रेशियो निकालने का मतलब क्या है, ए नाइन की जगह हम ये लिख देते हैं ए वन प्लस एट डी वन अपॉन, और ये क्या है ए वन प्लस एट डी टू, यही हमें निकालना है रेशियो। भाई ये हमारा ए नाइन ही तो है, ये क्या है हमारा ए नाइन अपॉन कैपिटल ए नाइन, यही तो है, यही ना है, यही रेशियो निकालना है। तो देखिए कैसे निकालेंगे, ये जो हमारा यहाँ पर ये आया है टू ए वन प्लस, ये क्या है एन माइनस वन डी वन, और यहाँ पर ये आया, ठीक है। तो आप इसको सेट कीजिए, इसको इस तरीके से सेट कीजिए कि ये पूरा जो है ना इस तरीके से बन जाए, जैसे हमारा यहाँ पर ये क्या दिया हुआ है टू ए वन प्लस एन माइनस वन डी वन, टू कैपिटल ए वन प्लस एन माइनस वन डी टू है, और ये क्या है इक्वल टू सेवन एन प्लस वन अपॉन फोर एन प्लस ट्वेंटी सेवन, ये है, ठीक है। हमें ये रेशियो निकालना है, ये अपॉन ये निकालना है, तो ये जो पूरा हमारा जो ये आया है ना ये इसको इसमें कन्वर्ट करना है। देखिए यहाँ पर ए वन है, यहाँ पर भी ए वन है, डी वन यहाँ पर भी है, डी वन यहाँ पर भी है, कैपिटल ए वन यहाँ है, यहाँ पर भी है, डी टू यहाँ है, यहाँ पर भी डी टू है, ठीक है। तो ये कुछ कुछ इससे मिलता जुलता है, तो इसको 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 ना बिल्कुल चेंज करके इसमें लेकर आना है। तो देखिए कैसे चेंज करेंगे, ये क्या लिखा हुआ है टू ए वन प्लस, ये जो हमारा है ब्रैकेट में एन माइनस वन, और ये क्या है डी वन है ना, तो ये जो है प्लस के बाद, ये जो टर्म है ना प्लस के बाद, तो हम यहाँ प्लस के बाद इसमें इस पूरे टर्म में टू अपॉन टू इंटू कर सकते हैं ना भाई, टू अपॉन टू तो वन ही के बराबर है ना, तो टू अपॉन टू इसमें इंटू कर सकते हैं, तो इसमें टू अपॉन टू इसमें इसमें इंटू करेंगे टू अपॉन टू, तो ये क्या है एन माइनस वन डी वन, ये आपको समझ में आ रहा है। हमने इस वाले टर्म में देखिए हमारा ये वाला प्लस के बाद एक ये टर्म है, प्लस के इधर एक टर्म, तो प्लस के बाद वाला जो टर्म है ना ये पूरा इसमें हमने टू अपॉइंट टू इंटू किया है, और वैसे भी ये वन ही के बराबर है, कट पिट के वन ही तो आएगा टू अपॉइंट टू, ठीक है। ये कर दिया अपॉन, उसी तरह से इसमें भी कीजिए टू कैपिटल ए वन प्लस, इसमें भी सेकेंड टर्म में भी आप टू अपॉइंट टू इंटू कर दीजिए एन माइनस वन डी टू इक्वल टू, और ये जैसे है वैसे ही इसको लिखिए। देखिए ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, हमें यहाँ से ना टू कॉमन निकालना है न्यूमरेटर में से भी और डिनोमीटर में से भी, तो जब हम न्यूमरेटर और डिनोमीटर में से टू कॉमन बाहर निकाल देंगे ना तो अंदर ए वन बचेगा, यानी कि ये वाली टर्म आ जाएगी, क्योंकि देखिए यहाँ पर ए वन के साथ कोई चीज़ इंटू नहीं है ना, हमें क्योंकि इस पूरे को इसमें चेंज करना है, इसीलिए यहाँ पर सेकेंड टर्म में हमने टू अपॉइंट टू इंटू कर दिया इसमें भी और इसमें भी, तो कर ही सकते हैं इंटू भाई, टू अपॉइंट टू तो वन ही के बराबर आएगा ना, तो ये तो इसी के बराबर है, सेम सेम यही तो है, ये जो चीज़ है ये टर्म इसी के बराबर तो है, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया। अब यहाँ पर देखिए आप, ये हमारा क्या है टू ए वन है प्लस टू अपॉइंट टू एन माइनस वन डी वन, तो देखिए इसको और मैं अच्छे से समझा दूँ, टू ए वन प्लस, इसको मैं डायरेक्ट भी कर सकती थी लेकिन कहीं कोई स्टूडेंट को कन्फ्यूजन ना हो इसलिए मैं एक एक छोटा छोटा स्टेप जो है आपको समझा रही हूँ, ठीक है ना। ये आ गया टू ए वन प्लस, ये क्या है टू, और ये क्या है टू अपॉन टू है ना, तो इसको हम टू, और ये क्या है एन माइनस वन डी वन, अब देखिए इनके बीच में तो इनटू का साइन है ना अपॉन, और ये जो टू है ना यहाँ बीच में लिख सकते हैं ना, जस्ट टू को इधर लिख दिया और आगे लिख सकते हैं ना, डिनोमीटर में ही टू है यहाँ पर, ठीक है ना, ये आपको समझ में आ रहा है अपॉन, और ये क्या है टू कैपिटल ए वन प्लस, यहाँ पर भी देखिए इनके बीच में इनटू का साइन है, टू इंटू एन माइनस वन डी टू अपॉन, और ये जो टू है यहाँ बीच में लिख दिया, मतलब वही है बस जगह जो है थोड़ा सा इधर टू कर दिया और आगे साइड बीच में, ठीक है ना, समझ में आ गया, इक्वल टू सेवन एन प्लस वन अपॉन फोर एन प्लस ट्वेंटी सेवन, ये आ गया। अब देखिए यहाँ पर प्लस के इधर प्लस के इधर आपको क्या चीज़ कॉमन, देखिए इनके बीच में भी इन टू का साइन है, प्लस के दोनों साइड क्या कॉमन दिख रहा है, आप देख सकते हैं टू इसमें भी है, टू इसमें भी है ना कॉमन, टू यहाँ भी है, यहाँ भी है टू ना, तो टू बाहर निकाल लेंगे हम, तो अंदर क्या बचेगा, ये बाहर आ गया तो ए वन बचेगा प्लस, ये टू बाहर चला गया तो बच क्या रहा है, यही टर्म बच रहा है ना, एन माइनस वन होल ब्रैकेट डी वन अपॉन टू, यही बच रहा है ना अपॉन, उसी तरह से देखिए नीचे डिनोमेटर ये अपॉन डिवाइड है, तो ये देखिए इसमें भी देखिए प्लस के दोनों साइड क्या कॉमन दिख रहा है, टू यहाँ पर भी टू यहाँ पर भी, तो टू बाहर निकाल लेते हैं हम कॉमन, तो अंदर क्या बचेगा कैपिटल ए वन प्लस, और ये टू तो बाहर चला गया तो क्या बच रहा है, ये टर्म बच रहा है, यानी कि एन माइनस वन अपॉन टू डी टू ही ना बच रहा है, इक्वल टू, और ये क्या है सेवन एन प्लस वन अपॉन फोर एन प्लस ट्वेंटी सेवन, ये आपको समझ में आ रहा है। तो देखिए ये टू और ये टू कैंसिल हो गया ना कैंसिल, तो अब हमारे पास क्या आ रहा है ए वन प्लस एन माइनस वन अपॉन टू डी वन अपॉन, और ये क्या है कैपिटल ए वन प्लस एन माइनस वन अपॉन टू डी टू इक्वल टू, ये क्या है सेवन एन प्लस वन अपॉन
फोर एन प्लस 27। तो अब देखिए हमें, अब कंपेयर कीजिए, देखिए यहाँ पर भी A1 है, यहाँ पर भी A1 है, प्लस यहाँ भी कैपिटल A1 है, यहाँ भी कैपिटल A1 है, बस यहाँ पर देखिए 8 आ रहा है, यहाँ देखिए यहाँ 8 आ रहा है, इधर इसको 8 में कन्वर्ट करना है, ये पूरा, अगर देखिए यहाँ पर ये देखिए 8 दिख रहा है ना, 8 A1 तो है लेकिन 8 यहाँ नहीं है, यानी कि अगर ये n माइनस 1 अपॉन 2 ये 8 के बराबर हो जाइए, तो यहाँ पर देखिए हम क्या करेंगे, यहाँ n माइनस 1 अपॉन 2 यही चीज़ से फंस रहा है ना भाई, अगर ये 8 के बराबर हो जाएगा, ये पूरा n माइनस 1 अपॉन 2 इक्वल टू अगर 8 के बराबर हो जाए, 8 के बराबर हो जाएगा तो ये 8d1 हो जाएगा ना, 8d1 यानी कि ये बिल्कुल सेम यही आ जाएगा ना, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे कि हमारा ये जो आया है इसको n माइनस 1 अपॉन 2 इक्वल टू 8 मान लेते हैं, इसको बराबर 8 कर दिया। अब देखिए यहाँ से हम n की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो n माइनस 1 इक्वल टू ये 2 इससे इंटू या 2 16 हो गया ना, तो n इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये माइनस 1 इधर जाएगा तो प्लस 1 हो जाएगा, तो ये 17 हो जाएगा, तो n इक्वल टू क्या होगा 17, यानी कि हम यहाँ पर n की वैल्यू क्या रखेंगे, यहाँ पर हमारा जो n का वैल्यू होगा यहाँ पर हम 17 रखेंगे, यहाँ पर क्या रखेंगे दोनों में, हम दोनों में n की वैल्यू 17 पुट करेंगे, तो चलिए 17 पुट करते हैं यहाँ पर, n इक्वल टू 17, तो n की वैल्यू 17 यहाँ पर रखिए, तो A1 प्लस यहाँ पर देखिए m की वैल्यू 17 है, तो 17 माइनस 1 क्या हो जाएगा 16, 16 अपॉन 2 क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, 8d1 हुआ अपॉन, फिर इस तरह से कैपिटल A1 प्लस ये क्या n माइनस 1 अपॉन 2 है, तो यहाँ पर n की जगह हम क्या रख रहे हैं 17, 17 माइनस 1 अपॉन 2 क्या हो जाएगा 16 अपॉन 2, तो 2 से 16 कट जाएगा तो क्या बचेगा 8d2 बचेगा, इक्वल टू यहाँ पर भी हम n की जगह क्या रखेंगे 17 रखिए, यहाँ n की जगह क्या रखेंगे 17 प्लस 1 अपॉन, यहाँ पर भी n की जगह हम क्या रखेंगे 17 प्लस 27, तो इसको सॉल्व कीजिए, ठीक है, तो 17 7 जो कितना होता है 7 7 जो 49, 7 जो 7 और क्या हो जाएगा 7 और 4 11 119 प्लस 1 अपॉन, और ये क्या हो जाएगा 17 4 जो क्या होता है 4 7 जो 28 का 8 4 1 जो 4 5 6 68 प्लस 27 इक्वल टू ये हो जाएगा, इसमें 1 जोड़ेंगे तो 120 हो जाएगा अपॉन, और ये क्या हो जाएगा 68 और 27 दोनों जोड़िए 8 7 15 6 7 8 9 95 आया, यहाँ पर ये हमारा क्या आ रहा है A1 प्लस 8 D1 अपॉन A1 प्लस 8 D2 इक्वल टू ये हमारा क्या है रेशियो है A9 अपॉन कैपिटल A9 का रेशियो है ये हमारा, ठीक है ना, ये हमारा रेशियो आ रहा है जिसको जो हमें निकालना है नाइन्थ टर्म का रेशियो, ये आया 120 अपॉन 95, ये देखिए 5 से कट जाएगा तो 5 टू जो 10 5 4 जो 20 और ये 5 1 जो 5 5 8 5 7 जो 30 5 1 जो 5 5 9 जो 45, तो कितना आ रहा है रेशियो 24 अपॉन 19 यानी कि 24:19 ये रेशियो आ रहा है नाइन्थ टर्म का रेशियो दोनों एपी सीरीज का A9 अपॉन कैपिटल A9, यही इसका आंसर है। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन अच्छे समझ में आ गया होगा।